नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको बिजनौर नुमाइश ग्राउंड चौक पर ले चलते हैं, जहां पर स्वर्गीय चरण सिंह जी की मूर्ति का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी अनावरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने किया मूर्ति का अनावरण। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोकदल के कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और उनके साथ में हैं। अपने का प्रथम पंक्ति में करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रम से माननीय अध्यक्ष जी के साथ अपनी फोटोग्राफी जो होगी उतना सबकी होगी, आप चिंता न करें, पर सब एक साथ ही ये मेरा विशेष आप सबसे महत्वपूर्ण मेरा विशेष आग्रह है। वो आपका जो प्रतिनिधि है वो इंदिरा सिंह आपकी प्रतिनिधि है, आप सब ये मान के चले, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा सा जल का पैर में लग गया तो कहीं चोट वोट करने का डर रहता है। मैं किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की बिजनौर में ये प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर हम सब लोगों को मिला है और हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा गरीबों की, किसानों के विषयों को लेकर वो लोग आगे बढ़े, और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने लंबे समय तक हमारी मांग, गरीबों की, किसानों की मांग को पूरा किया और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सुशोभित करने का काम किया। मैं बहुत बहुत अभिनंदन। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, कन्नौज में आज समाजवादी का नेता नायब सिंह गिरफ्तार हुआ है बच्ची से रेप के आरोप में, दूसरा नेता है जो बलात्कार के आरोप में समाजवादी का जेल जा रहा है, क्या कहना चाहेगी बीजेपी? समाजवादी पार्टी का चरित्र हमारी माता बहनों के बारे में, उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं, उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान हैं जिस प्रकार के वो भी सब जानते हैं, लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन सके। क्या बुलडोजर चलेगा बाबा का? अब ये सरकार को निर्णय करना है, लेकिन विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव को लेकर फूलपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकड़ी राड़ मची पड़ी है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थी लोगों ने तत्कालिक परिस्थिति को ध्यान में गठबंधन किया, लेकिन हमारी पार्टी प्रदेश के, देश के आम आदमी की अपेक्षा जो भी है उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। उपचुनावों की अभी तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन पार्टी की ओर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और संगठन की दृष्टि से नीचे जो हमारी रचना है उसे पूर्ण करके हम अपने, जैसे भी आचार संहिता लगेगी, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाए। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले मेरे सभी साथी भाइयों बहनों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह और आनंद लेने वाला दिन है। आज गरीबों के, किसानों के लिए हमेशा जीवन पर संघर्ष करने वाले किसानों के लिए हमेशा देश में किसान हित को प्राथमिकता दी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने
हमेशा उनकी जो प्राथमिकता थी गांव गरीब किसान की, उस प्राथमिकता को लेकर वो हमेशा आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा माननीय चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित होकर हम सब लोगों ने भी बड़ी पीढ़ी में भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, हमारे लिए गर्व का विषय है। और मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने लंबे समय से हमारी भावना के अनुसार हमारे बड़े वर्ग की मांग को पूरा किया। चौधरी चरण सिंह जी के देश में समाज में उनका योगदान, जो पुराने सरकारों ने लंबे समय तक उस विषय को नजरअंदाज किया, लेकिन माननीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे, जो काम किए थे स्वीकार करते हुए उन्हें भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया, तो हमारे लिए गांव देहात के किसानों के लिए गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और एक बार पुनः आप सबकी उपस्थिति के लिए इस अवसर पर धन्यवाद करता हूँ। और मैं नगर पालिका को, उनकी अध्यक्ष को और अपने सभी वरिष्ठ जनों को, उन्होंने ये सराहनीय काम किया, आज आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मुझे मिला। सब लोग बहुत अच्छे मन से और भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने मार्ग दिखाया है, उनके जो विचार है, उनके आदर्श है, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बिजनौर वासियों के लिए बहुत बहुत मेरा अभिनंदन आभार। अरे यहाँ से होगा यार, खबर ऐतिहासिक मूर्ति का, इस प्रतिमा का जो उन्होंने आज लोकार्पण करने का हम सब लोगों को अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।